भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के उत्साह पूर्वक वातावरण में अहिंसा पुरस्कार 2023 वितरित किए गए। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विदर्भ के 8 विभूतियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। श्री जैन सेवा मंडल नागपुर के तत्वाधान में रेशमबाग स्थित कविर्वे सुरेश भट्ट सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में राज्य नियोजन मंत्रालय के OSD अमोल खंडाड़े, कोठारी ज्वेलर्स के सुरेश कोठारी, सुरेश पार्सव, रितेश मोदी, उद्योजक मनीष मेहता सहित मंडल के अध्यक्ष शरद मचाले, महामंत्री विजय जवेरी, निखिल कुसुमगर, पीयूष शाह उपस्थित रहे। अमोल खंडारे ने इस अवसर पर कहा कि उद्योग क्षेत्र में भले ही जैन समाज अग्रणी है, लेकिन प्रशासकीय क्षेत्र में समाज की भागीदारी का आंकड़ा कम है। उन्होंने जैन युवाओं से पारंपरिक उद्योग क्षेत्र से कुछ समय निकालकर प्रशासनिक क्षेत्र में आगे आकर इस माध्यम से राज्य व देश की सेवा में योगदान देने तथा राजनीतिक क्षेत्र में भी जैन समाज से अपना प्रभाव बढ़ाने की अपील की है। खंडारे ने इस दौरान मंडल के माध्यम से श्वेतांबर व दिगंबर समुदाय के एकत्रित कार्यों की सराहना की। अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार रखे। मंच संचालन खुशबू जैन व संजय नखाते ने किया। सोनू सिंधई ने आभार माना। वहीं कार्यक्रम में मंडल के कार्य अध्यक्ष सनत जैन व आयोजन समिति के श्रीपाल कोठारी, हर्षित भंसाली, मनीष छल्लानी, संजय आगरकर आदि का सहयोग रहा। अंत में संगीतमय हाउसी कार्यक्रम ने उपस्थितों का उत्साह और भी बढ़ा दिया। सभी संस्थाओं के पदाधिकारी और सभी भाइयों और बहनों को मेरा यह परम सौभाग्य है कि नागपुर के करुपूज सकल जन समाज का यह भव्य जन्म कल्याणक महोत्सव मेरी अध्यक्षता में हो रहा है। साथ ही मैं बहुत नम्र और हार्दिक हूँ कि आप सबने हमें अभूतपूर्व तन मन धन से सहयोग दिया। श्री जैन सेवा मंडल से आपसे आप जुड़े हो, आपके मन में धार्मिकता है, पवित्रता है, समाज के विकास की भावना है और इसका आशीर्वाद मुझे और मेरी कार्यकारिणी को मिला है, जिसका परिणाम यह है कि पिछले 15 दिन से भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के सभी कार्यक्रम सुंदरता से महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के सुंदरता में सफल रहा है। समाज के सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन, सहकारियों, प्रेम अपमापन और युवाओं से नई उमंग और कार्य करने की शक्ति मिली है। समाज की सभी संस्थाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। एक अभूतपूर्व कार्य होने के लिए इन सभी की सद्भावना एवं प्रेरणा महत्वपूर्ण है। भविष्य में भी आप सबका साथ मिलता रहेगा, यह विश्वास है। धन्यवाद दिल से। करण कोठारी ज्वेलर्स का हिंसा वार्ड के लगातार 21 वर्षों से सहयोग करना अपने आप को गौरव की बात है। जैसे कि उनके प्रतिष्ठान का मंत्र है शुद्ध और अनंत, वैसे ही इस अवार्ड को देखते हैं। मन के शुद्ध भाव से और 21 वर्षों से और भविष्य में भी इसमें अच्छे से अच्छा करने का संकल्प है। कितना अभूतपूर्व कार्य है और इस वर्ष को हम विदर्भ तक लेकर गए हैं। विदर्भ गुणवत्तों का यह सब संस्कार सम्मान है। अभिनंदन सबका। श्री कोठारी ज्वेलर्स आप सबका हार्दिक आभार। उपस्थित आप सभी को अनेक अनेक आभार। मेरे कार्य से या शब्दों से इस वर्ष के आयोजन में कुछ गलत हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। महावीर भगवान की जय। जिनके शासन नायक में हम आज जी रहे हैं, ऐसे हमारे 24वें तीर्थंकर श्री महावीर भगवान जी का जन्म कल्याणक महोत्सव हम गए 4 दिन से मना रहे हैं और इसी कड़ी में आज उनके जन्म कल्याणक दिन पर जो करण कोठारी ज्वेलर्स प्रस्तुत अहिंसा अवार्ड का आज प्रदान होने वाला है, इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित सम्माननीय जैन सेवा मंडल के अध्यक्ष श्री शरद जी मचाले साहब, सचिव श्री विजय जी झवेरी जी, आज के प्रमुख अतिथि श्री सुरेश जी कोठारी, आज ही जिनसे मुलाकात हुई और पहचान हुई ऐसे श्री मनीष जी मेहता, निखिल जी कुसुमगर, उपस्थित सभी माता बहनों और भाइयों, मुझे मालूम है सज्जन अवार्ड किसको घोषित होने वाला है और कितनी मिलने वाला है इसके लिए काफ़ी आतुर है।
मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन दो चीज़ को मैं आज यहाँ पर टच करके जाऊँगा। एक तो हमारे जैन समाज में प्रशासनिक सेवाओं में जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी कम है, क्योंकि जैन समाज ज़्यादातर बिजनेस करने वाला समाज समझाता है। लेकिन अगर हमें पूरे देश में या राज्य में जैन समाज का प्रावधान रखना है तो प्रशासनिक सेवा में आना बहुत जरूरी है। आज के युवाओं को मैं आह्वान करूंगा कि अपना पारंपरिक बिजनेस थोड़ी देर के लिए बाजू में रख के अगर आप प्रशासनिक सेवा में आते हैं और देश की साथ साथ में समाज की सेवा कर सकते हैं और धर्म की भी प्रभावना इस माध्यम से आप कर सकते हैं, यही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम पूरे धर्मों को गौरवित करवा सकते हैं। आज कई IAS IPS अधिकारी जैन हैं, लेकिन कुल अधिकारियों में देखा जाए तो जैनों की संख्या बहुत ही कम है। हमें प्रयत्न करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अधिकारी जैन समाज से आगे आए। इसके लिए जितो के माध्यम से जैन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हॉस्टल्स, उनकी पूरी तरह से जो भी पढ़ाई है या उनको जो भी कोचिंग है दी जाती है, सिर्फ बच्चों को आगे आके इस सेवा में हमें इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ना है। जैन सेवा मंडल के माध्यम से काफ़ी अच्छा कार्य नागपुर में हो रहा है, मुंबई में भी जीतों के माध्यम से या कहीं और जगह में जाता हूँ तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ श्वेतांबर दिगंबर ये पंथ का भेद बाहर रख के साथ में आकर के ये कार्य हम लोग करते हैं। निश्चित रूप से ये सराहनीय है। आज सुबह महावीर जन्म कल्याणक की जो रथ यात्रा निकली थी उसमें मेरे ख्याल से 8 से 10 हज़ार भाविक या हमारे जैन समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ये निश्चित रूप से एक हमारा, हमें कोई प्रदर्शन करना नहीं है, हमारे जैन समाज का कोई शक्ति प्रदर्शन करना नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हमारा वैल्यू भी वहाँ पे बताना है। हमारा उपद्रव मूल्य शून्य है, लेकिन आज देखा जाए तो पॉलिटिक्स में हो, समाजकरण में हो या अन्य कई जगह जैन लोग ही सबसे आगे बढ़ते हैं। और निश्चित रूप से यही एक जगह है, यही एक मंडल है जिसके माध्यम से हमारी एकता हमें सबको दिखाई देती है और अन्य लोगों को भी ये एकता मालूम पड़ती है। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आज की ये अवार्ड सेरेमनी को काफ़ी शुभकामनाएं देता हूँ। जो आज अवार्ड जीतने वाले हैं उनके लिए भी एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं, और जैन सेवा मंडल के अध्यक्ष एवं सचिव जिन्होंने मुझे आमंत्रित करके गौरवान्वित किया है उनका भी मैं आभार व्यक्त करके मेरे दो शब्द समाप्त करता हूं। जय जिनेन्द्र। के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।